हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई पोयम के साथ आपके साथ आया हूँ। द पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन। दोस्तों, इसका मतलब है वर्षा की आवाज़ या वर्षा की बोली। इसके पोएट हैं दोस्तों वाल्ट विटमैन। तो पोयम को समझने से पहले कुछ हम इसके कठिन कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, उसके बाद हमें समझने में आसानी होगी, उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड पोएम को समझ लेंगे। तो दोस्तों आइए इसके कुछ कठिन वर्ड हम देखते हैं। वोकैबुलरी दो, दोस्तों दो मतलब होता है तू या हम कहते हैं तुम, यू। उसके बाद दोस्तों अगला है सॉफ्ट, अगला वर्ड है दोस्तों सॉफ्ट फॉलिंग। सॉफ्ट फॉलिंग दोस्तों होता है ड्रॉपिंग जेंटली, बड़े आराम से टपकना, जेंटली विनम्रतापूर्वक गिरना, टपकना। थर्ड नंबर पे है दोस्तों शॉवर, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, शॉवर हम नहाते हैं शॉवर में। रेन ड्रॉप्स वेन दे फॉल कंटिन्यूसली ऑन अर्थ, जब धरती पर कंटिन्यू बूंदें गिरती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों। फोर्थ है दोस्तों एटर्नल, ये हमने लास्ट पोएम में भी पढ़ा था, आपकी उसमें नहीं पढ़ा दोस्तों, हमने दूसरी क्लास की पोएम में पढ़ा था। एटर्नल होता है दोस्तों अनंत, एवर लास्टिंग, कभी समाप्त ना होने वाला। उसके बाद दोस्तों इम्पेलेबल, इम्पेलेबल होता है जिसे छू कर महसूस नहीं करते, अनेबल टू बी फेल्ड बाय टचिंग, जैसे टच करके महसूस नहीं किया जा सकता। बॉटमलेस, जैसा कि दोस्तों इजी है, बॉटमलेस होता है मतलब जिसमें तली ही ना हो, जिसमें नीचे सतह ही ना हो, जिसकी गहराई अनंत हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, वेरी डीप या अनंत गहराई। सेवन नंबर पे दोस्तों वेंस, दोस्तों वेंस मतलब होता है कहाँ से। जब हम आश्चर्य से किसी से बात करते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो दोस्तों हम बोलते हैं वेंस आर यू फ्रॉम, ओके दोस्तों वेंस यू कम, तुम कहाँ से आते हो। उसके बाद दोस्तों बेगोली, बेगोली दोस्तों होता है अनक्लियर, बेगोली जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट जो होता है दोस्तों वो होता है पारदर्शी या शुद्ध, उसी प्रकार जो है दोस्तों बेगोली होता है अनक्लियर, मतलब धुंधला टाइप का। नाइन है दोस्तों फॉर्म्ड, मेड इनटू स्पेसिफिक शेप, दोस्तों फॉर्म होता है किसी चीज़ को बनाना, इसलिए इससे एक और वर्ड बताते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, कुछ बनाना दोस्तों फॉर्म। डिसेंट, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मैथ्स में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो दोस्तों असेंड होता है बढ़ाना, डिसेंड होता है मूव और फॉल डाउन, दोस्तों नीचा करना, डिसेंड नीचा करना। ला दोस्तों, ला होता है वॉश, ला होता है धोकर, धो देना, वॉश कर देना, हटा देना धोकर। ड्राउट तो दोस्तों पता ही आपको, ड्राई स्पेल सूखा होता है दोस्तों, सूखा ड्राउट सूखा। एटम्स, एटम्स क्या होता है दोस्तों, वेरी थिन टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे, टाइनी होता है दोस्तों छोटे, टाइनी होता है छोटे, तो बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एटमीज, बहुत छोटे पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट, ये देखिए लेटेंट, इसे बोलेंगे दोस्तों इनएक्टिव, निष्क्रिय, इनएक्टिव। देन अगला हमारा आता है ओरिजिन, ओरिजिन होता है सोर्स, स्रोत या उत्पन्न, ओरिजिन होता है उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो होता है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई दोस्तों एक वर्ब है, मेक ब्यूटीफुल, किसी भी वस्तु को और अधिक सुंदर बनाना, उसी का बोलेंगे ब्यूटीफाई, या किसी वस्तु को सुंदर बनाना तो उसे बोलेंगे दोस्तों ब्यूटीफाई। उसके बाद है फुलफिलमेंट होता है दोस्तों परिपूर्णता, कंप्लीट द साइकिल है, परिपूर्ण करना, पूरा करना। वंडरिंग, वंडरिंग होता है घूमना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिना उद्देश्य के घूमना दोस्तों वांडरिंग होता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य होगा क्योंकि यहाँ पे पोयम में दिया गया है। ड्यूली, ड्यूली दोस्तों होता है प्रॉपरली, मतलब ठीक तरीके से। आइए अब हम लाइन बाय लाइन पोयम को डिस्कस करते हैं। हमारी जो पहली लाइन है, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, दोस्तों एक साथ पूरे स्टैंजा का मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एंड हु आर दो, तुम कौन हो, सैड कभी कहता है, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, धीरे धीरे सॉफ्ट फॉलिंग, आराम से गिरते हुए बूंदों से कभी कहता है कि तुम कौन हो। पिच स्ट्रेंज टू टेल, जो कहने में अजीब है, बताने में अजीब है। गिव मी एन आंसर, मुझे जवाब दीजिए। एज हर ट्रांसलेटेड, एज हर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, और जैसा कि बताया गया
कि मैं धरती की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, शेयर द वॉइस ऑफ द रेन, और यह आवाज़ रेन की थी, यह आवाज़ वर्षा की थी। एटर्नल आई रेस्ड इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अनंत धरती के छोर से मैं उठती हूँ, लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र की अथाह गहराइयों से और धरती की अनंत छोर से मैं उठती हूँ। तो दोस्तों ये चार लाइन का अर्थ थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा हम अगली लाइन पे आते हैं, लेकिन एक बार और मैं इसका बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कवि ने वर्षा की हल्के हल्के गिरते बौछारों से पूछ रहा है कि यह कौन है। अत्यंत आश्चर्य की बात थी दोस्तों कि बौछार ने उसे उत्तर दिया कि वर्षा की आवाज़, यह धरती का गीत, उसने कहा कि आई एम द वॉइस ऑफ रेन। यह सनातन तथा अनंत है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि यह स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती, यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। अंडरस्टैंड, आई थिंक आप एक स्टेंजा का अर्थ आपको समझ में आ गया। दूसरा है दोस्तों अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ, टू हेवन मतलब स्वर्ग की ओर। अपवर्ड टू हेवन वेंस द वेबली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, फिर नीचे है आई डिसेंट टू ला द ड्राउट एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर शीट्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। दोस्तों यह कह रहा है कभी, यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है, वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है तथा यह पूर्णता बदल जाती है, फिर भी वह ही रहती है, वह अपने दोस्तों मूल रूप में ही रहती है। प्रेह संसार के सूखे प्यासे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है, दोस्तों उनको वाश कर देती है, उनको, यहाँ जो मैंने बताया था आपको कि उनको वाश कर देती है। वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्रदान करने में सहायता करती है दोस्तों, जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए रहते हैं तथा अजन्मे पड़े रहते हैं। अगर वर्षा नहीं आएगी तो वो कहती है कि जो बीज है वो तुम्हारे पड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो स्टैंजा है उसमें देखते हैं, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, दोस्तों हमेशा दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं हमेशा अपने मूल तत्व को जीवन देती हूँ, मतलब उसको शुरुआत में किस मूल तत्व को वो प्राप्त होती है, उसकी शुरुआत करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्षा होती है और बारिश होती है, उसके बाद वो बारिश का पानी पुनः नदी में समुद्र में चला जाता है और पुनः फिर से एक साइकिल के रूप में वो फिर से बाष्प बन के वापस आता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और मैं इसे और सुंदर बनाती हूँ और शुद्ध बनाती हूँ। अब ये ब्रैकेट में लिखा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट डिली विथ लव रिटर्न्स। दोस्तों वर्षा की यह विधि सतत लगातार तथा दिन ब दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है, जैसे हमने कहा था जहाँ से शुरू होती वह उसी को फिर से प्राप्त कर लेती, इसे पवित्रता तथा सुंदर बनाती है। वर्षा यह गीत गाती है, यह गीत उनके जन्म स्थल से आरंभ होता है। दोस्तों यह इधर उधर भटकती है, वॉन्डरिंग जैसे मैंने बताया था, घूमती रहती है, और चाहे कोई इसे ध्यान दे अथवा नहीं, अपनी सिद्धि करने के पश्चात, अपना काम करने के पश्चात बड़े प्यार से वापस लौट जाती है दोस्तों। तो यह दोस्तों जो पोएम है वो द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़। अब दोस्तों इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। दोस्तों इसमें दो आवाज़ें हैं, वो किससे संबंधित हैं और किस बात की ओर से, किसकी तरफ संकेत करते हैं। द टू वॉइस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोएट। द पोएम बिगिन इन कन्वर्सेशन टोन, दोस्तों पोएम जो है वो कन्वर्सेशन टोन में स्टार्ट होती है, जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं। द लाइन्स आर एंड हु आर दो, मतलब ये लाइन है कि तुम कौन हो, एंड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, और वो कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ। वाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज, दोस्तों इसका मतलब क्या है, वाट डज द फ्रेज, जो फ्रेज दी गई है, स्ट्रेंज टू टेल, बताने के लिए अजनबी, बताने में अजनबी, मीन्स द फ्रेज मीन्स दैट इज ए अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर गिवन बाय द रेन ड्रॉप्स टू पोएट टू आस्क्ड हु इट वाज स्टोन टू। दोस्तों ये बताने के लिए इसलिए अजनबी है क्योंकि इस प्रकार का जो उत्तर मिला कवि को वो बड़ा ही असाधारण है, अनयूजुअल है, वो यूजुअल नहीं है, मतलब जैसा चलता रहता है वैसा नहीं है दोस्तों, अनयूजुअल है वो।
असाधारण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देर इज अ पैरल डाउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। द पैरल डाउन, दोस्तों किस प्रकार से वो पैरल ड्रॉन किस प्रकार से वो पैरल चलते हैं, क्या संबंध है दोनों में बिटवीन द रेन एंड म्यूजिक में। तो देखो, द वर्ड्स आर आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ फॉर सॉन्ग इशू फ्रॉम इट्स द बर्थ प्लेस, फ्रॉम सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस। दोस्तों द वर्ड्स आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ जो वर्ड है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों इसका बर्थ प्लेस, फ्रॉम सॉन्ग इसके बर्थ मतलब जहाँ से बर्थ होता है, जहाँ से जन्म होता है वारिश का, वहीं से ये गीत शुरू होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, परंतु अपने पूर्णता को प्राप्त कर, घूमते घूमते रैक्ट और अनरैक्ट, उचित और अनुचित, सही ठीक है ठीक तरीके से, डिली विथ लव और बड़े प्यार से रिटर्न लौट जाती है। द बोथ रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन आफ्टर फुलफिलमेंट देयर टेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे कवि और वारिश दोनों ही अपना काम करने के बाद अपनी सेफ जगह पर, अपने पुनः उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि कवि ने कविता सुनाकर अपनी जगह पर चला गया, उसी प्रकार रेन अपना काम करके अपने मूल तत्व को प्राप्त करती है। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्राउट आउट इन द पोएम कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्न इन साइंस। दोस्तों किस प्रकार का जो साइक्लिक मूवमेंट होता है रेन का, ठीक है, और किस प्रकार यह है विज्ञान से संबंधित है, मतलब विज्ञान से आपने सीखा, ये कह रहे हैं किस प्रकार आपने विज्ञान में क्या सीखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये, द पोएट एक्सप्लेन दैट द रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर देन राइज अप फ्रॉम द लैंड एंड द सी एंड देन डिसेंड्स अगेन ऑन द अर्थ एंड ड्राई लैंड इन ऑर्डर टू वॉश इट डाउन एंड हैंस द कम बैक टू इट्स ओरिजिन। दोस्तों ये कह रहे हैं कि कभी यहाँ कह रहा है कि जो रेन की जो वाटर होती हैं वो वाटर वेपर के रूप में, समुद्र वाटर वेपर, वेपर दोस्तों होता है भाप, भाप के रूप में ये ऊपर उठती हैं और एंड द सी एंड देन डिसेंट, और फिर नीचे आती हैं दोस्तों, डिसेंट नीचे, डिसेंट अगेन फिर से नीचे आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, और ऑर्डर टू वॉश किस लिए दोस्तों, धोने के लिए, ऑर्डर टू वॉश इट डाउन, नीचे आकर यह सब कुछ धो देती हैं एंड हैंस कम्स बैक, वो पुनः वापस अपने कार्य होने के पश्चात अपने मूल स्थान को पहुंच जाती हैं, अपने उत्पन्न होने वाले स्थान पर पहुंच जाती हैं। इट्स सिमिलर टू द वाटर साइकिल वी हैव लर्नड, ये वैसे ही वाटर साइकिल है दोस्तों जैसा हम विज्ञान में पढ़ते हैं, वही कवि ने यहाँ बताया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। दोस्तों ये दो लाइन जो हैं नीचे वाली, इनको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट बिकॉज दे डू फ्रॉम द बॉयस। हाँ दोस्तों इसलिए दी गया, ये थोड़ा सा यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, कि द बिकॉज दे बोथ टेकन फ्रॉम द बॉयस ऑफ द रेन और द पोइट। दोस्तों इसलिए उनको क्वेश्चन में लिखा गया क्योंकि दोनों जो लाइन है उसमें आवाज़ जो है वो द बॉयस ऑफ द रेन और पोइट, वो कवि की और बारिश की आवाज़ है। द ओनली कंटेंट ए जनरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोइट, ये एक जनरल कवि के द्वारा एक जनरल एक साधारण जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, एक साधारण उसने एक साधारण एक उसने उसका ऑब्जर्वेशन किया है, इसलिए दोस्तों उसने उसको ब्रैकेट में रखा है, इससे कविता से थोड़ा अलग है। लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड, यहाँ पे डे नाइट, रैक अनरैक, राइज राइज एंड डिसेंड। देखो राइज उठना होता है, डिसेंड नीचे। उसके बाद दोस्तों अगला है, एंड हु आर दो सैड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉपर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हु आर दो, दोस्तों आई इंक्वायर्ड फ्रॉम द सॉफ्ट फॉलिंग रेन अबाउट इज आइडेंटिटी। दोस्तों वहाँ पे कभी जो है इंक्वायरी करता है जेंटली, बड़े प्यार से गिरते हुए फॉलिंग रेन से पूछता है कि आप कौन है, उसकी आइडेंटिटी को जानना चाहता है। दूसरा है दोस्तों टू, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेट द वॉयस ऑफ द रेन, इसे एक्सप्लेन कीजिए। द वॉयस ऑफ द रेन इंट्रोड्यूस इट सेल्फ एज द पोइट, और दोस्तों इस प्रकार वर्षा अपने आप को पोइट से इंट्रोड्यूस कराती है अपने आप को। एटर्नल आई राइस, अनंत तक मैं उठती हूँ दोस्तों। इट एक्सप्लेन इट्स अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड द स्काई एज एटर्नल, दोस्तों इससे ऊपर की तरफ जो है उसके मूवमेंट उसी गति को बताता है कि जो आकाश है वो दोस्तों अनंत है, एटर्नल है। फॉर सॉन्ग डिली विथ लव रिटर्न्स, द पोएट से दैट लाइक द नेचर साइकिल ऑफ द रेन, जिस प्रकार प्रकृति की जो
नेचर की जो साइकिल है पानी के लिए, मतलब उसका जो चक्र है, अ सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट। इसी प्रकार दोस्तों जो सॉन्ग है वो कवि के दिल से निकलता है, ट्रेवल्स टू रीच अदर्स एंड आफ्टर फुलफिलमेंट इट्स पर्पस रिटर्न्स टू द पोएट, रिटर्न टू द पोएट विथ ड्यू लव। दोस्तों यहाँ भी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पोएट है। तो दोस्तों जिस प्रकार से प्रकृति में पानी कि जो साइकिल है वो पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है जहां से आता है, दोस्तों उसी प्रकार कवि के दिल से निकला हुआ गीत भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद पुनः कवि के पास विथ रिस्पेक्ट ड्यू विथ मतलब प्यार के साथ उसके पास पहुंच जाता है दोस्तों। तो आज दोस्तों ये पोएम भी समाप्त हो गई है। पोएम आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगली पोएम अगर चाहिए तो वह भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।